पौनी तहसील के भोजापुर से रेवनी मार्ग पर रेती वाहन कर रहे 60 ट्रैक्टरों पर पौनी पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 40,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई मंगलवार की रात की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 11 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। आरोपियों में जुनोना ग्राम निवासी ट्रैक्टर चालक सचिन मोरेश्वर मेश्राम उम्र 23 वर्ष, पौनी निवासी ट्रैक्टर मालक विशाल गोविंदा वंजारी उम्र 29 वर्ष, वाही निवासी ट्रैक्टर चालक रंजित भोला मांडरे उम्र 26 वर्ष, पौनी निवासी ट्रैक्टर चालक मालिक गोविंदा लहानु वंजारी उम्र 70 वर्ष, देवनी निवासी ट्रैक्टर चालक अमित भास्कर तिगरे उम्र 24 वर्ष, चालक सुजीत भास्कर तिगरे, वाही ग्राम निवासी मंगेश गुलाब पावने उम्र 27 वर्ष, पौनी ग्राम निवासी ट्रैक्टर मालिक मिथुन राजू भूरे उम्र 25 वर्ष, भोजापुर ग्राम निवासी ट्रैक्टर मालिक विक्की विलास दोडेवार उम्र 21 वर्ष, भोजापुर ग्राम निवासी ट्रैक्टर चालक अतुल ज्ञानेश्वर वैद्य उम्र 28 वर्ष, ज्ञानेश्वर दामोदर वैद्य उम्र 63 वर्ष का समावेश है। आरोपी यह अपने बिना क्रमांक वाले ट्रैक्टर में रेती भरकर ढुलाई करते हुए पाए गए। आरोपियों पर पौनी पुलिस थाने में धारा 303-2-150 भारतीय न्याय संहिता उपधारा 48-8 महाराष्ट्र राजस्व अधिनियम 1967 उपधारा 7-9 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उपधारा 50-177 मोटर वाहन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर पौनी पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक जितेंद्र तिजारे, अजीत वहाने, किशोर बुर्डे, धामदेव ढाने, होमगार्ड गुरुदेव कावले ने की है।